हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक साइड, इट्स वन्नीस साइड। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि एंड्रॉयड पी का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, एंड कुछ डिवाइसेस पर एंड्रॉयड पी का अपडेट आ जाएगा एंड कुछ डिवाइसेस पर नहीं आएगा। एंड अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है तो आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप एंड्रॉयड पाई के नोटिफिकेशन पैनल को अपने डिवाइस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मेथड को आप अपने स्टॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर जो भी एंड्रॉयड पी से लोअर वर्जन पर रन कर रहा है उन पे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई कस्टम रोम्स यूज़ कर रहे हैं या फिर MIUI यूज़ कर रहे हैं तो उस पे भी आप एंड्रॉयड पी के नोटिफिकेशन पैनल को यूज़ कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगा। एंड यार, मुझे पता है कि इस वीडियो को बहुत कम लोग देख रहे होंगे एंड चैनल की रीच तो बिल्कुल ही चली गई है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वीडियोस को रेगुलरली अपलोड नहीं कर रहा। तो यार, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस चैनल पर किस टाइप की वीडियोस चाहिए, क्योंकि अब मैं वेला हो गया हूं। तो बाकी बातें साइड रख के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अपने डिवाइस पर एंड्रॉयड पाई के नोटिफिकेशन पैनल को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सिंपल सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, पावर शेड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप उसे इजीली प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको पावर शेड एप्लीकेशन को ओपन करना है, एंड देन यहाँ पर आपके पास कुछ डिफरेंट से ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको इस एप्लीकेशन को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है नॉट रनिंग, तो आपको इस एरो को राइट साइड को स्वाइप करना है। अब आपके पास यहाँ पर तीन सेटिंग्स आ जाएंगी जिनको आपको परमिशंस देनी है, तो आपको एक एक करके इन तीनों की परमिशंस को अलाउ कर देना है एंड इस ऐप को नोटिफिकेशन एक्सेस भी दे देना है, जिसके बाद ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रनिंग शो कर रहा है, तो ये ऐप वर्क करना स्टार्ट कर चुका है। और अब आप जैसे ही अपने नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड पाई का नोटिफिकेशन पैनल शो हो जाएगा, और अब आप अपने डिवाइस पर एंड्रॉयड पाई के नोटिफिकेशन पैनल को यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि स्टॉक एंड्रॉयड का नॉर्मल नोटिफिकेशन पैनल। अब अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो इस ऐप के थ्रू आप वो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको ट्रिगर का ऑप्शन दिख रहा है, तो अगर आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन पर साइड पर ये ट्रिगर दिख रहा है आपको। तो इस ट्रिगर की हेल्प से आप अपने नोटिफिकेशन पैनल को कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। तो आपको बस इसकी पोजीशन सेट कर देनी है, उसके बाद जैसे ही आप इस पर स्वाइप किया करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाया करेगा। तो एक क्विक शॉर्टकट हो गया है नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस करने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पर आपके पास लेआउट का भी ऑप्शन है, जिसके अंदर आप जाकर स्मॉल कॉर्नर्स वगैरह कर सकते हैं, ब्राइटनेस स्लाइडर एट द बॉटम, ब्राइटनेस स्लाइडर इन द हेडर, ये सब कुछ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे इसका लगता है वो है कलर्स का। तो इसके अंदर जाकर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि शेड बैकग्राउंड कलर, शेड फोरग्राउंड कलर, ब्राइटनेस स्लाइडर कलर एंड नोटिफिकेशन बैकग्राउंड कलर एंड एनेबल ट्रांसपेरेंसी। तो ऐसे आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, एंड जिसके बाद कि आपका नोटिफिकेशन पैनल काफ़ी कलरफुल हो जाएगा एंड ये बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगा हो जाएगा। एंड अगर आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन पैनल पसंद है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस नोटिफिकेशन पैनल पर आप कस्टम बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं या फिर प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, ऑटो एक्सपैंड नोटिफिकेशन को एनेबल कर सकते हैं। तो इस टाइप के सभी फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आप इन सभी टाइप के फीचर्स को अप्लाई करना चाहते हैं एंड अपने नोटिफिकेशन पैनल को और कस्टमाइज करना चाहते हैं, कलरफुल करना चाहते हैं, तो आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस मेथड को यूज़ करके अपने सूखे से एंड्रॉयड नोटिफिकेशन पैनल को एंड्रॉयड पाई के नोटिफिकेशन पैनल पर अपग्रेड कर सकते हैं एंड उसे फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ प्रीमियम फीचर्स भी अवेलेबल हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सबसे अच्छी बात कि ये विदाउट रूट वर्क करता है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट में मुझे बताना जो मैंने आपसे पूछा था, एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।